नमस्कार, क्रिकेट में जरूर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईपीएल 2019 में अपने नाम, लोगो और जर्सी चेंज करने के बाद दिल्ली कैपिटल्स की किस्मत भी पूरी चेंज हो गई थी, जहां पर आईपीएल 2019 में वो प्लेऑफ्स तक पहुंच गई थी। और आईपीएल 2019 के ऑक्शन से पहले दिल्ली कैपिटल्स की टीम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले दिल्ली कैपिटल्स की आईपीएल 2020 की ऑक्शन स्ट्रेटेजी के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको उन प्लेयर्स के नाम बताने वाला हूँ जिनको ये ऑक्शन में टारगेट करने वाली है। बहुत दिनों से दिल्ली कैपिटल्स की ऑक्शन स्ट्रेटेजी के ऊपर रिक्वेस्ट आई थी, तो ये वीडियो सभी के लिए डेडिकेटेड है। नहीं, उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर पहले को जरूर से दबा लीजिए और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, आईडी आपके सामने नजर आ रही होगी। मैंने दिल्ली कैपिटल्स की तरह बहुत सारी टीमों की स्ट्रेटेजी बना के रखी है, डिस्क्रिप्शन में सारी स्ट्रेटेजी की लिंक आपको मिल जाएगी। आप इस वीडियो के एंड होने के बाद सारी टीम की स्ट्रेटेजी जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लीजिए दिल्ली कैपिटल्स की करेंट स्क्वाड की। दिल्ली कैपिटल्स की जो करेंट स्क्वाड है वो आपके सामने नजर आ रही होगी। शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, ईशान शर्मा, अक्षर पटेल, अमित मिश्रा, रहाणे, अश्विन, हर्षल पटेल, आवेश खान, कगिसो रबाडा, कीमो पॉल और संदीप लामेचाने। इन सब के बाद अभी दिल्ली कैपिटल्स के पास मौजूद है कुल 27.85 करोड़ रुपीज़, और इनको इतने पैसे से कुल 11 स्लॉट्स भरने हैं, जिसमें से 5 ओवरसीज प्लेयर ये ले सकती है और मैक्सिमम 6 इंडियन प्लेयर को ये खरीद सकती है। अब बात कर ले रहे हैं सबसे पहले हम लोग दिल्ली कैपिटल्स की ओवरऑल स्ट्रेटेजी के बारे में। तो इनके ऑक्शन में एक ही टारगेट होने वाला है, वो होगा फॉरेन प्लेयर्स पर फोकस। ये फॉरेन प्लेयर्स को खरीदने की कोशिश करने वाली है। दिल्ली कैपिटल्स के पास करेंटली बेस्ट इंडियन लाइनअप मौजूद है और ये जो भी प्लेयर्स को ऑक्शन में खरीदेंगी वो मैक्सिमम फॉरेन प्लेयर्स ही होंगे। और जैसे ही फॉरेन प्लेयर्स ऑक्शन में नजर आएंगे वैसे ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपने आँख खोलकर सभी प्लेयर्स को देखने वाली है। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, और जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन होने वाला है वो है रिक्वायरमेंट, जहाँ पर हम लोग बात करने वाले दिल्ली कैपिटल्स को किस तरह के प्लेयर की दरकार है और किस तरह के प्लेयर के लिए ऑक्शन में कौन से ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे और उन ऑप्शन में से वो कौन से प्लेयर को टारगेट करने वाली है। जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट दिल्ली कैपिटल्स का ऑक्शन में रहने वाला है वो होगा फॉरेन बैट्समैन का। अगर यहाँ पे मैं रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो बहुत सारे रिक्वायरमेंट के सामने मौजूद रहने वाले हैं। एरन फिंच, एलेक्स कैरी, शॉन मार्श, लिन मैक्सवेल, रॉय, जो रूट, टॉम बेंटन, शिमरन हेटमायर, शाई होप, मिलर, वेंडर ड्यूशन, मुस्फिकुर रहीम, एलेक्स हेल्स, मार्टिन गप्टिल और इयन मॉर्गन। यहाँ में से दिल्ली कैपिटल्स की टीम मैक्सिमम 3 फॉरेन प्लेयर्स को तो खरीदने वाली है, 3 फॉरेन बैट्समैन को अपनी टीम में शामिल करने वाली है, जिसमें से एक प्लेयर को ये 5 से 6 करोड़ देने वाली है, यानी कि एक प्लेयर प्राइमरी प्लेयर में मौजूद होगा। इसके अलावा 2 से 3 करोड़ में ये 2 और बैकअप प्लेयर को खरीदने वाली है ऑक्शन से। तो अगर टारगेट प्लेयर की बात करें तो ये एलेक्स कैरी, शिमरन हेटमायर, डेविड मिलर और इयन मॉर्गन को कन्फर्म टारगेट करने वाली है। एलेक्स कैरी और डेविड मिलर 100% बिडिंग वाले प्लेयर होने वाले हैं, इनमें से एक प्लेयर टीम में आने वाला है। इसके अलावा शिमरन हेटमायर और इयन मॉर्गन को बैकअप के तौर पर टीम में लेने वाली है। इयन मॉर्गन को मैंने बैकअप के तौर पर इसलिए कहा क्योंकि इयन मॉर्गन का आईपीएल में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, इंडिया में आके उनका परफॉर्मेंस गिरा है, इसी वजह से ज़्यादा बिडिंग नहीं होने वाली है और वो सेकेंडरी ऑप्शन ही रहने वाले बहुत सारी टीमों के लिए। जो दूसरा रिक्वायरमेंट दिल्ली कैपिटल्स का ऑप्शन में रहने वाला है वो होगा फॉरेन ऑलराउंडर का। यहाँ पर भी कुछ हल्के फुल्के ऑप्शन मौजूद है। मार्कस टॉइनिस, ग्लैन मैक्सवेल, बैन कटिंग, जेम्स निशम, जेम्स फॉकनर, क्रिस मॉडर्स, कार्लोस ब्रैडफेट, जेम्स एंडरसन और कॉलिन डी ग्रैंडहोम। अगर टारगेट की बात करें तो ये फॉर्च और मार्कस टॉइनिस और क्रिस मॉडर्स को 100% श्योर टारगेट करने वाली है, इनमें से एक प्लेयर को ऑक्शन से लेने वाली है। अगर मार्कस टॉइनिस की बात करें तो मार्कस टॉइनिस को 3 से 4 करोड़ के अंदर खरीदने की कोशिश करेगी, क्योंकि मार्कस टॉइनिस के अंदर अभी अच्छा खासा फॉर्म भी है, बैटिंग और बॉलिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं, इंडिया में भी अच्छा प्रदर्शन किया है मार्कस टॉइनिस ने। इसके अलावा क्रिस मॉडर्स जिनको इन्होंने रिलीज़ किया था उनको भी वापस खरीदने की कोशिश करेगी। इन्होंने क्रिस मॉडर्स को इसलिए रिलीज़ किया था क्योंकि क्रिस मॉडर्स को 11 करोड़ रुपीज़ दे रही है, ऑब्वियसली वो इतना पैसा डिजर्व नहीं करते, और ये ऑक्शन से इनको भी 3 से 4 करोड़ के अंदर खरीदने की कोशिश करेगी और बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि क्रिस मॉडर्स वापस से आपको दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से ही खेलते हुए दिखे। जो तीसरा रिक्वायरमेंट इनका ऑक्शन में रहने वाला है वो होगा फॉरेन फास्ट बॉलर का। यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल रहने वाले हैं। क्रिस वोक्स, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, एंड्रयू टाई, अल्जारी जोसेफ, नेथन कुटरनाइल, टॉम करन, विली, ऑशन थॉमस, शेल्डन कॉट्रियल, लियाम प्लमकेट और काइल एबर्ट। अगर टारगेट प्लेयर्स की बात करें तो ये ऑशन थॉमस और काइल एबर्ट को फॉर श्योर टारगेट करने वाली है, लेकिन ये ऐसे बैकअप ही टीम में काम करेंगे, 2 से 3 करोड़ के अंदर इनको ये खरीदने की कोशिश करेगी, जहां पर अभी दिल्ली कैपिटल्स के टीम में
कगिस और रबाडा एज अ प्राइमरी फास्ट बॉलर टीम के रहने वाले हैं। अगर थॉमस की बात करें और काइल एबर्ट की बात करें तो अभी रिसेंटली इनका फॉर्म बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अच्छे खासे पेस से बॉलिंग कर लेते हैं, एक्सपीरियंस भी इनके पास मौजूद है, तो इनको भी जरूर दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपने टीम में लेने की कोशिश करने वाली है। इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स की टीम 2-3 इंडियन प्लेयर को खरीदने की कोशिश करेगी। ये जो प्लेयर होंगे अनकैप होंगे, अननोन होंगे और डोमेस्टिक प्लेयर ही रहने वाले हैं जो हर टीम हमेशा ऑक्शन से खरीदती है। ये कभी भी आपको टीम के साथ नज़र नहीं आते, कभी भी ये प्लेइंग इलेवन मौजूद नहीं होते, लेकिन इन प्लेयर्स को फ़ायदे होते हैं क्योंकि ड्रेसिंग रूम बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ शेयर करते हैं और उनकी एक तरीके से ट्रेनिंग भी हो जाती है। तो अगर ओवरऑल फिर से मैं आपको टारगेट प्लेयर्स का नाम बता देता हूँ कि कौन से प्लेयर्स को ये टारगेट करने वाली है, उसमें नाम शामिल है एलेक्स कैरी, शिमरॉन हेटमायर, डेविड मिलर, इयन मॉर्गन, मार्कस स्टोइनिस, क्रिस मॉरिस, ऑस्टिन थॉमस और काइल एबर, यानी कुल 8 प्लेयर्स को ये टारगेट करने वाली है। इन सभी प्लेयर्स को टारगेट करने के बाद इनके सारे के सारे प्लेसेस फिल हो जाएंगे और जो फॉरेन डिपार्टमेंट होगा वो भी इनका पूरा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि इंडियन डिपार्टमेंट तो अभी से ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है दिल्ली कैपिटल्स का। तो ये तो रहने वाली है दिल्ली कैपिटल्स की पूरी ऑक्शन स्ट्रेटेजी, मैं डिटेल में जाकर उनकी ऑक्शन स्ट्रेटेजी को डिस्कस की है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।